कुछ दिनों से बहुत से टीजर चले आ रहे हैं, उनमें से एक है विद्या चंपल की अपकमिंग मूवी क्रेक, जिसकी ट्रेलर आ चुकी है जो काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। सच में देख के मजा आ गया, क्या ट्रेलर है यार, ओसम। ये एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा मूवी है जिसमें विद्या चंपल के साथ नोरा फतेह, आमी एंड रामपाल यादव लीड रोल में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 23 फरवरी को आने जा रही है, जब ऑल इंडिया रैंक एंड आर्टिकल 370 भी रिलीज होगी। यानी तीनों मूवी एक ही दिन क्लेश होने वाली है। खैर क्या ही कर सकते हैं। बात करें ट्रेलर की तो 2 मिनट 22 सेकंड की ट्रेलर है, जिसकी शुरुआत में विद्या चंपल टपोरी भाषा में कह रहे हैं, भाई सबने तो दोनों आँखों से देखते हैं ना, और तेरा दूसरा आँख कौन है, मैं हिस तो हूँ, मैदान में जाएंगे और जीत के आएंगे। ट्रेलर की शुरुआत में ये डायलॉग काफी अच्छी लगती है, और इस डायलॉग की मदद से ये भी पता चलता है कि विद्युत के कैरेक्टर का एक भाई भी है जो शायद अंडरग्राउंड डेंजर स्पोर्ट के अंदर हिस्सा लेता है। और उसके बाद जो सीन देखने को मिलती है उससे ऐसा लगता है कि उस स्पोर्ट के अंदर उसके भाई को कुछ हो जाता है, जिसके बाद विद्युत चंपल खुद उस स्पोर्ट में हिस्सा लेके उसके भाई के साथ क्या हुआ उसका पता लगाने वाले हैं। इस फिल्म की कॉन्सेप्ट स्क्वाड गेम की तरह ही है, जो एक कोरियन ड्रामा सीरीज है जिसमें एक गेम के अंदर बहुत से गेम खेला जाता है, और वहाँ जो जीता उसे बहुत पैसा मिलता है और जो हारा वो मारा जाता है। ऐसी ही है इस फिल्म की स्टोरी। इसमें सिर्फ थोड़ी सी इमोशनल एंगल ऐड कर दिया गया है, जो अच्छी बात है। फिल्म में इमोशन ही ना हो तो क्या मजा आएगा। मुझे ऐसी मूवी देखना बहुत पसंद है जिसमें सस्पेंस और थ्रिल हो। ट्रेलर के अंदर जो विजुअल जो स्टंट देखने को मिलते हैं, ऐसा हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत रेयरली देखने को मिलती है। क्या कमाल के स्टंट एंड विजुअल है। उससे क्या आपको पता है, ये फिल्म विद्या चंपल के अपने प्रोडक्शन हाउस एक्शन हीरो फिल्म्स की सेकंड फिल्म है, और कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए विद्या चंपल 4 अलग अलग एक्शन डायरेक्टर को हायर किए थे, स्पेन, साउथ अफ्रीका, इटली एंड जर्मनी से। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल की एक्शन देखने को मिलने वाली है। विद्या चंपल एक ऐसे एक्टर है जो खुद सारे स्टंट करते हैं, और इस लेवल की स्टंट जिसे करने का कोई सोच भी नहीं सकता। सच में कमाल के एक्टर हैं। वैसे इतने सालों के बाद बॉलीवुड में रामपाल यादव फिर से स्क्रीन में देखने को मिलेंगे, और वो भी विलेन के रोल में। जब फिल्म के अंदर विद्युत एंड अर्जुन रामपाल का आमना सामना होगा तब बहुत मजा आने वाला है। मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर में टोपरी भाषा का जो यूज किया गया है ना, उसे सुनने में काफी मजा आ रहा है। डायलॉग भी काफी अच्छे हैं, जैसे कि हाय गर्मी एंड वो लास्ट डायलॉग। हमारे यहाँ भी एक साथ सूर्यवंशी, सिंगा एंड सिम्बा आते हैं। ये छोटी छोटी सीन ट्रेलर को और भी ज्यादा मजेदार बना जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी जबरदस्त है। ट्रेलर तो काफी अच्छी है। अब देखते हैं फिल्म कैसी निकलती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।